हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, निसान मैग्नाइट में आ गया है गीजा सीवीटी स्पेशल एडिशन, उन लोगों के लिए जिनको चाहिए बेहतर ऑटोमेटिक गाड़ी। आज दोस्तों बात करने जा रहे हैं निसान मैग्नाइट की। ये देखिए, एक नया वेरिएंट उतारा है जो कि पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन पे एडवांस सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ। आज दोस्तों इस गाड़ी की सारी खासियत चेक करेंगे और साथ में बताएंगे सीवीटी ट्रांसमिशन की क्या खासियत रहती है, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो देखिए, ये एडिशन आया है एक्स शोरूम कॉस्ट 9,84,000 रुपीज़, जिसमें सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है दोस्तों अराउंड 11,30,000 रुपीज़ की। बाकी मैंने निसान कानपुर के नंबर्स मेंशन कर दिए हैं, अगर आप कानपुर बिलोंग करते हैं तो बेस्ट प्राइस पे निसान की कोई भी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गीजा सीवीटी एडिशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, क्योंकि देखिए निसान मैग्नाइट दो इंजन पे आती है। एक आता है इसमें नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक आता है इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन। नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे मिलता है EZ स्विफ्ट यानी AMT ऑटोमेटिक, और टर्बो पे आपको मिलेगा CVT ऑटोमेटिक। इंजन है इस गाड़ी का पावरफुल, इसमें आपको मिलता है 100 PS का पावर और 152 Nm का टॉर्क। माइलेज भी दोस्तों यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है 17.4 किलोमीटर पर लीटर में। चलिए अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहले आप इस गाड़ी का एक एक्सटीरियर लुक चेक कर लीजिए। कॉम्पैक्ट SUV निसान मैग्नाइट, जिसमें एक्सटीरियर से देखिए तो प्रॉपर SUV वाला लुक देखने को मिलता है और इंटीरियर में बहुत ही बढ़िया स्पेस है। अभी अंदर बैठ के भी आपको स्पेस वगैरह चेक कराएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको फ्रंट साइड दिखा दे। तो देखिए फ्रंट में इसमें क्रोम इंसर्टेड यानी क्रोम जो है इसमें साइड में यूज़ किया गया है। इसकी ग्रिल्स में इवन जो है देखिए इसमें इस साइड पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी क्रोम है। इस वाले वेरिएंट में ना ही आपको DRLs मिलेंगे, ना ही आपको इसमें फॉग लैंप्स मिलेंगे। फ्रंट में जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएंगी इसमें स्किड प्लेट्स सिल्वर कलर की। हेडलैम्प जो है वो आपको इसमें हैलोजन रिफ्लेक्टर्स वाले मिलते हैं। देखिए ये एडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा अपर यानी कह लीजिए बहुत ज़्यादा फीचर्स कवर नहीं करता है, बट स्टिल यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरत की मिलती हैं। चलिए अब साइड में देखते हैं। तो देखिए इस गाड़ी को प्रीमियम लुक देने के लिए आपको इसमें मिल जाएंगे क्रोम डोर हैंडल्स, आउटसाइड मिरर पियानो ब्लैकनेस में दिए हुए हैं, उसी में साइड के टर्न इंडिकेटर्स चेक कर सकते हैं। व्हील्स आपको दोस्तों इस एडिशन पे मिलते हैं स्टील के, जिसके ऊपर डुअल टोन के देखिए फुल व्हील कैप्स लगे हुए हैं, और व्हील साइज जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 195/60 R16 इंच के ये व्हील्स आपको इसमें मिलेंगे। ऊपर साइड देखिए तो रूफ रिल्स सिल्वर कलर की इसमें दे रखी है। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का कंप्लीट साइड लुक चेक कर लीजिए। चलिए बात करते हैं बैक साइड की, और बैक से आपको चेक करा देते हैं गीजा CVT स्पेशल एडिशन पे क्या फीचर्स हैं पीछे की तरफ। तो देखिए टर्बो इंजन है, टर्बो का पावरफुल पेट्रोल इंजन है। तो यहाँ पे देखिए उसकी मार्किंग दी हुई है इस साइड पे CVT कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे उसका भी एम्बलम दे रखा है। बाकी रियर वाइपर डिफॉगर आप चेक कर सकते हैं, टॉप पे शार्क फिन एंटीना देख लीजिए, और पीछे की तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट्स पीछे भी मिल जाएंगी, सेंसर्स दिए हुए हैं, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दोस्तों इस वाले एडिशन पे दे रखा है, जिसका लेंस देखिए यहाँ पे इस तरफ प्लेस किया गया है। ये गीजा CVT स्पेशल एडिशन है, जब यानी इसमें कह लीजिए हालांकि कैमरा कंपनी से लग के आया है, लेकिन अगर आप इसके XV या XV प्रीमियम को चेक करेंगे तो उसके कैमरे के लेंस की पोजीशन कुछ यहाँ पे देते हैं, बट इसमें आपको इधर की तरफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक्सटीरियर दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी का चेक करा दिया है। चलिए चलते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं क्या खास है इस एडिशन की। तो देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक आपके सामने, डुअल टोन इंटीरियर है, जिसमें मैग्नाइट में बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्ड भी हैं, जैसे कि ये डोर ट्रिम्स आप देख रहे हैं ये फैब्रिक इंसर्टेड वाले, चाहे वो आगे का डोर हो या फिर वो पीछे का डोर हो, ये आपको इसमें स्टैंडर्ड फीचर मिलता है, जो कि कह लीजिए कहीं ना कहीं इस गाड़ी को लग्जरी फीलिंग देता है। बाकी चारों पार विंडोज आउटसाइड मिरर्स यहाँ पे चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग एडजस्टेबल्स दे रखे हैं। इसके अलावा ड्राइविंग साइड का विंडो है ये ऑटो फीचर के साथ है, ऑटो डाउन फीचर आपको इसमें मिलेगा। और ख़ास बात देखिए आपको बताते हैं, ये है गीजा एडिशन। आपने अगर पहले भी इसमें गीजा एडिशन आता था वो नेचुरल एस्पिरेटेड पर था, बट उसको डिसकंटिन्यू करके अब इसे टर्बो CVT पे दिया है, जिसमें देखिए यहाँ पे JBL के स्पीकर्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगी। तो JBL के स्पीकर्स यहाँ पे हर डोर पे प्लेस किए गए हैं, आगे की भी डोर पे, और ये देखिए पीछे के डोर आप इसमें चेक करिए। और बाकी एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे अभी म्यूजिक की बात करेंगे जब इधर बैठेंगे, उससे पहले जरा मैं आपको और चीज़ें दिखाऊं। तो देखिए यहाँ पे एम्बियंट लाइट आप इसमें चेक कर सकते हैं, तो नाइट के टाइम पे कहीं ना कहीं ये भी आपको इस गाड़ी पे अंदर के इंटीरियर्स को खूबसूरत लुक देंगी। फैब्रिक सेटिंग्स आपको इसमें मिलती हैं। अब देखिए इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगी हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट, ये जिस हाइट पे सेट है उसी हाइट पे यहाँ पे सेट रहेगी। हालांकि निसान मैग्नाइट जो है वो
एक हाइटेड गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको इसमें अच्छा मिलता है 205 mm का, और सेटिंग्स भी जो है वो इसकी थोड़ी सी ऊंची हाइट पे दे रखी है। तो यहाँ पे आपको जब इस पे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एसयूवी वाला कंप्लीट फील आपको इसमें मिलेगा, बट स्टिल अगर किसी की हाइट कम है तो वो इस सीट को ऊपर नहीं कर पाएगा, किसी की हाइट ज़्यादा है तो वो इसको नीचे नहीं कर पाएगा, ये फिक्स है। सिर्फ स्लाइड और बैकरेस्ट को ही हम इसमें सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें चेक करने के बाद जरा मैं आपको इसकी पीछे की साइड पे दिखा दूँ, तो पीछे की सेटिंग्स पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। सेंटर पे चेक करिए, इसमें आपको एक आर्मरेस्ट है जिसमें दो कप होल्डर्स और डिवाइस डॉक भी दिया हुआ है। सीट बेल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी साइड वाली थ्री पॉइंट पे, मिडिल पैसेंजर के लिए दोस्तों अभी भी निसान मैग्नाइट पे लैप वाली ये सीट बेल्ट आ रही हैं। इसके अलावा जरा मैं ड्राइविंग सीट को सेट कर लूँ अपने हाइट के हिसाब से, फिर जब पीछे बैठ के आपको इसका स्पेस चेक कराते हैं। तो हालांकि ये मेरे हाइट के हिसाब से परफेक्ट सेट है, इसमें एक डेड पैडल भी देखिए इधर की तरफ दिया हुआ है। तो ये पोजीशन जो है एक बार आपको इधर भी दिखा दूं, आगे बैठा हूं तो इस हिसाब से मैं यहां पे कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ के ड्राइव कर सकता हूं। आगे जब बैठे हैं तो आप इसमें मेरा हेडरूम इस समय चेक कर लीजिए मेरी हाइट के हिसाब से आपको कितना मिलेगा। आगे की सेटिंग्स चेक करिए, अब जरा मैं आपको इसकी पीछे की सेटिंग चेक कराता हूं। तो देखते हैं पीछे के स्पेस को, तो ये देखिए बेहतरीन है दोस्तों, यहाँ पे निसान मैग्नाइट में स्पेस की कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लेग रूम है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है। अंदर जब बैठेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं से भी जो है कंजेस्टेड वाला फील नहीं आएगा, इवन जब आप पीछे बैठेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा हेडरूम मिल जाएगा। तो ये है यहाँ पे गीज़ा एडिशन कह लीजिए या फिर निसान मैग्नाइट कह लीजिए, क्योंकि सभी गाड़ियों में जो सेटिंग स्पेस है वो बिल्कुल सिमिलर दी हुई है। चलिए बात करते हैं और फीचर्स की, तो देखिए रियर रिसीवेंट दोस्तों हालांकि इसमें नहीं आता है, आता है बट इसके सिर्फ टॉप मोस्ट वेरियंट एक्सवी प्रीमियम मिलेगा, उसके नीचे किसी भी वेरियंट में नहीं है। और ये एडिशन वैसे भी थोड़ा सा नीचे वाले वेरियंट्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो पीछे एसी वेंट नहीं है, सेंटर हम बिल्कुल भी नहीं है, देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बीच में कोई पैसेंजर बैठेगा तो भी आराम से पैर को रख सकता है। ऊपर साइड फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स, यहाँ पे केबिन लाइट आप चेक कर लीजिए। तो इधर की चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी हैं, अब जरा एक बार आपको बूट एरिया और दिखा देता हूँ, जो कि देखिए निसान मैग्नाइट में मिलता है 336 लीटर का। पार्सल ट्रे दोस्तों इस वेरिएंट में कंपनी फिटेड नहीं आई है, बट यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, तो पार्सल ट्रे आपको इसमें डीलर साइट से परचेज करके लगवानी पड़ेगी। बूट स्पेस अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ है, इस एडिशन पे आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती हैं, तो पार्ट वाइज हम सीट्स को बेंड करके यहाँ पे अपने हिसाब से लगेज स्पेस बना सकते हैं। जब हम दोनों साइड की सीटों को बेंड करेंगे तो इस वक्त इसमें 690 लीटर का बूट स्पेस बन गया है। और स्पेयर व्हील जो है वो दिखा देता हूँ, इधर रखा हुआ है, बाकी व्हील्स की तरह स्टील पे है लेकिन साइज़ यहाँ पे आपको छोटा दिखेगा, ये आपको 14 इंच यानी 16 और 14, 2 इंच का फ़र्क आ गया इसके स्पेयर व्हील में। तो सिर्फ इसे इमरजेंसी के टाइम यूज़ करिए, बाकी टाइम पे जो है इसको यहीं पे रखा रहने दीजिए। और जब इसको यूज़ करिएगा तो स्पीड भी ज़्यादा मत ले जाइएगा, हालाँकि इसमें कहीं मैंसन होगी, ये देखिए लिखी भी हुई है 80 की स्पीड, यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखी है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही इसको बस यूज़ करिएगा। और यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर दी अब तो टेम्प्रेरी यूज़ ओनली, यानी ज़रूरत के समय ही इसको यूज़ करिए। काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ पे मेंशन होकर देखिए आने लगी हैं। तो स्पेयर व्हील अब एक तरीके से स्पेयर जैसा ही हो गया है, अब इसे हम नॉर्मल व्हील की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इनको ज़रा मैं वापस अपनी जगह कर देते हैं और अब चलते हैं हम आगे ड्राइविंग सीट में बैठ के और फीचर्स चेक कराते हैं गीज़ा CVD स्पेशल एडिशन पे आपको क्या मिलेगा। तो ये है इस गाड़ी का एक और ख़ास फीचर दिखाते हैं। तो देखिए अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको की जो है वो मिलती है आई की, यानी स्मार्ट की, इंटेलिजेंट की आपको इसमें मिल जाएगी। और इस की का एक फ़ायदा ये भी है कि जो डोर है यहाँ पे बटन है, हम यहीं से गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं, तो की को पॉकेट से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही गाड़ी में भी कहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आपकी पॉकेट में रहने दीजिए या उसको कहीं पे भी प्लेस कर दीजिए। और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें देखिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ बैठ के आपको एक झलक दिखाते हैं गीज़ा एडिशन की। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का कंप्लीट, ड्राइविंग सीट में बैठने के बाद व्यू आपके सामने है, चेक कर लीजिए। ऊपर साइड यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएंगी, सनवाइजर्स के बैक साइड पे वैनिटी मिरर दिया हुआ है, ड्राइविंग साइड पे हालांकि कुछ भी नहीं है। और इसका बॉक्स देखते हैं तो निसान मैग्नाइट में काफ़ी स्पेसियस यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके बाद
कुछ अच्छे फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए, मैंने आपको स्पीकर्स चेक कराए थे, JBL के स्पीकर्स मिलते हैं जो कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गीज़ा एडिसन पे ही निसान प्रोवाइड कराती है। यानी आप इसका जो रेगुलर गाड़ियाँ आती हैं, जैसे आप मान लीजिए XV लीजिए सेकेंड टॉप, XV प्रीमियम लीजिए टॉप, तो उसमें आपको JBL स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मल स्पीकर्स मिलेंगे। गीज़ा एडिसन पे ही सिर्फ JBL के स्पीकर्स आते हैं जो कि कहीं ना कहीं कह लीजिए साउंड क्वालिटी को काफ़ी बेटर करते हैं। और म्यूज़िक सिस्टम भी यहाँ पर देखिए, बड़े साइज़ का टच स्क्रीन इसमें दिया हुआ है, जिसमें जब मैं रिवर्स गियर डालूंगा तो आ जाएगा पीछे का कैमरा। ये देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरा आ गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखेगा, जैसे XV प्रीमियम पे एक प्रॉपर फिटिंग देखने को मिलती है, प्रॉपर तरीके से सिस्टम लगा हुआ है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है कि आपने डीलर साइड से या फिर आफ्टर मार्केट इस सिस्टम को फिट कराया है, साथ में पीछे इसमें कैमरा लगाया है। तो यहाँ पे फिटिंग थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं कह लीजिए कंपनी फिटेड वाली देखने को नहीं मिलती है, बट स्टिल यहाँ पे आपको म्यूज़िक सिस्टम, JBL स्पीकर्स, ये LED कह लीजिए यहाँ पे जो लाइट्स लगी थी एम्बियंट लाइट्स, और कैमरा आपको इसमें मिल जाता है, स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन जैसे फीचर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। AC यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। एक मिनट, हाँ ये ऑन हो गया। ये देखिए टेम्परेचर सेट कर दीजिए, वो टेम्परेचर ये केबिन पे मेंटेन रखेगा, तो अच्छा फीचर ऑटोमेटिक AC आपको इसमें मिलेगा। फर्दर साइड पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक पोर्ट दे रखा है 12 वोल्ट का, एसेसरीज सॉकेट वाला, और इस साइड पे कुछ आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं, इस साइड पे देखिए फ़ोन को पिक एंड कट करने के कंट्रोल्स हैं, और स्टीयरिंग भी इसमें एडजस्टेबल है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम इसे सेट कर सकते हैं। और बात करते हैं थोड़ा सा इसके क्लस्टर यानी मीटर की, तो देखिए ये XV प्रीमियम जैसा यहाँ पे मीटर नहीं है, क्योंकि XV से ही इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, बट यहाँ पे इस वाले वेरिएंट में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, और मीटर जो है वो कहीं ना कहीं नीचे वाले वेरिएंट वाला दे रखा है। इसमें यहाँ पे है तो ही फुल डिजिटल, और ये बटन है स्विच करके, यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मतलब भर की आप इसमें चेक कर सकते हैं। सर्विस इंटरवल है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया हुआ है, व्हील का प्रेशर कम होगा तो इंडिकेट कर देगा, बाकी और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स है, जैसे कि व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले आपको फीचर्स मिल जाएंगे, साथ में डुअल एयरबैग्स हैं, एक एयरबैग इधर है और एक एयरबैग इसमें दे रखा है। निसान मैग्नाइट के दोस्तों सभी वेरिएंट में दो ही एयरबैग्स आते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जैसे हिल असिस्ट दे रखा है, ब्रेक असिस्ट सिस्टम दिया हुआ है, काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सिर्फ कह लीजिए एयरबैग्स भी निसान को जल्दी से इंप्रूवमेंट्स कर देने चाहिए, और 4 या 6 एयरबैग्स आ जाने चाहिए। चलिए यहाँ पे इधर की सारी चीज़ें देखने के बाद अब थोड़ा सा बात करते हैं हम इसके ट्रांसमिशन की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए ये टर्बो पेट्रोल इंजन पे है, पावरफुल इंजन है, और यहाँ पे जो है CVT यानी कॉन्टीन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन दे रखा है। अगर आप इसे नेचुरल एस्पिरेटेड परचेस करते हैं, हालांकि ये एडिशन नहीं आता उसमें, बट स्टिल जो है XE XL जो है XV इस टाइप के वेरियंट जो उसमें नीचे दे रखे, जो रेगुलर वेरियंट चलते हैं उसमें जो है आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पर AMT ऑटोमेटिक मिलेगा। बट उससे दोस्तों ये जो ट्रांसमिशन है ये काफ़ी एडवांस है। CVT ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक एक एडवांस ट्रांसमिशन है, जिसमें गियर चेंजिंग के टाइम पे दोस्तों बिल्कुल भी जर्क्स नहीं आते, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ गियर्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर गियर्स नहीं होते हैं। इस वजह से यहाँ पे गियर चेंजिंग कह लीजिए जब गाड़ी स्पीड पकड़ती है, गियर्स मूव करती है, तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो है आपको जर्क्स महसूस ही नहीं होंगे, बढ़िया आपको पिकअप इसमें मिलेगा। तो ये AMT से काफ़ी एडवांस ट्रांसमिशन है। तो किसी को अगर मान लीजिए कह लीजिए लैग नहीं चाहिए, कह लीजिए जर्क्स नहीं चाहिए और ऑटोमेटिक चाहिए, तो उसको डेफिनेटली CVT की तरफ आना चाहिए, AMT की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक पावरफुल पेट्रोल इंजन के साथ एक बेहतरीन जो है आपको मिल जाता है ट्रांसमिशन, जिसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, और एक तरीके से कह लीजिए लोअर गियर्स हो सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, जिस समय हमें ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है उस वक्त हम इसे इस मोड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, साथ में आपने इस गाड़ी के सारे फीचर्स चेक कर लिए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा गीज़ा CVT स्पेशल एडिशन, जिसमें मैंने आपको फीचर्स के साथ CVT ट्रांसमिशन के बारे में बताया, इंजन के बारे में बताया, और सारी चीज़ें आपने देखी हैं, साथ में स्पेस भी चेक करी है। दोस्तों इस गाड़ी के बारे में क्या राय हमें बताइएगा, साथ में आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने के लिए फटाफट कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक भी अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।